हमारे सोल्जर के साथ बहुत बुरा हुआ और मेरे पास उनकी दो फोटोज भी आई थी, तो वो देख के भी मेरे रूह कांप गए थे मतलब, और बहुत बुरा लग रहा है, वैलेंटाइंस डे के दिन ही हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो आई एम अभिषा ओवर हियर एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग एंड इट्स सैटरडे 7:15 और भी शाम का टाइम हो रहा है एंड मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं एंड मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे और बिलेटेड हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सब लोगों को। होप आपने अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया होगा और हमने तो केक भी कटिंग की थी, बट फिर उसी दिन ही कुछ ऐसा हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। एंड ऑन वैलेंटाइंस डे मीन्स कितना बुरा लग रहा है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दोज सोल्जर्स, दोज आर्मी मैन जो मीन्स हमारे लिए खड़े रहते हैं मीन्स इतनी ठंड में, मीन्स वो लोग ना फॉर अस एंड देन बहुत बुरा लग रहा है। मीन्स आज तो पूरा सुबह से मीन्स उसी की वही न्यूज़ आ रही है एंड वो सारे हर इंसान जो भी सोल्जर्स थे उन सबको एक मतलब कि सबके उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया जा रहा है। मीन्स सब लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा, मीन्स बहुत सारे भी इंजर्ड हैं और बहुत सारे की डेथ हो गई है, कितना बुरा लग रहा है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग रियली बैड कि मतलब कि कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास तो बोलने के लिए। मीन्स वो लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं एंड उनके साथ ही हो गया, हम कुछ जैसे कि क्या कहूँ, बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, पूरे जो हमारे लिए मेहनत करते हैं एंड फिर जो कुछ ऐसा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। मीन्स हमारे हम सबके लिए ऐसा कर रहे हैं, अभी हम जो है यहाँ बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, सारे सोल्जर्स की वजह से ही बैठे हैं, सो थैंक यू। वो बॉर्डर के पास खड़े रहते हैं ठंड में एंड किसका मन नहीं करता कि वो घर पे बैठ के आराम से मज़े करे कुछ ना करे, बट स्टिल वो लोग जाते हैं फॉर अस, वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं विंटर्स में। और श्रुति कि आप सोल्जर हो और जब आपके साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है मीन्स, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ करें, इस पर स्टैंड लें। सो आई होप कि जितने भी सोल्जर्स का जो भी हुआ है उन्हें उनका राइट मिले। और ये भी कितना बुरा लगता है, जब मैंने देखा था ना न्यूज़ देख रही थी तो उसमें उनके सारे फैमिली मेम्बर्स कितना रो रहे थे, उन्हें कितना बुरा लग रहा था। मीन्स आई रियली सल्यूट देम। हाफ मंथ भी नहीं आया, 16 है, 4 मार्च से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मैम ने भी इतना हिंट तो दे दिया है कि पहला SST का है, बट डेट शीट आई नहीं है तो फिर, और कंप्यूटर का भी टेस्ट होने वाला है तो वो तो फरवरी के मंथ में ही हो जाएगा। एंड फिर सो लेट्स सी एग्ज़ाम्स भी कैसे जाते हैं। ऑफ एग्ज़ाम के टाइम तो मैं वीडियोज़ बनाना कम कर दूँगी, बट स्टिल मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपसे आपके साथ अपने एग्ज़ाम के टाइम का वीडियो शेयर करूँ। और उसके बाद होली भी है, उसके नेक्स्ट डे मैं लास्ट एग्ज़ाम के नेक्स्ट दिन
दिन पे ही होली भी है, उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी 9th क्लास में। और वैसे मेरा 8th क्लास काफ़ी अच्छा गया, मीन्स 8th क्लास में बहुत मज़ा आया। मीन्स 8th क्लास बुरा नहीं था, बहुत ही मज़ेदार था, तो अच्छा लगा 8th क्लास। क्योंकि अब हम बहुत सारे बच्चे तो छुट्टियाँ लेना शुरू भी स्टार्ट भी कर देंगे, एंड फिर कुछ भी बात करेंगे तो हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, और कोई टॉपिक हो गया मेरे पास वो तेरे को ये आता है वो आता है ऐसे करके। और मैं तो अपने फ्रेंड्स को बहुत परेशान करती हूँ, खास करके फ्रेंच में, जो मेरी जो फ्रेंड है बस मैंने उसने फ्रेंच में लिया और बाकी कुछ ने लिया है, बट मैं उससे ज़्यादा फ़ोन करती हूँ, तो मैं उससे ना एक जैसे हम फ्रेंच के लिए एक ही दिन मिलता है तो उसमें ही सब कुछ करना होता है, तो मैं उससे पूछती हूँ ओ तूने ये किया, ओ तूने वो किया, ओ ये, तो उससे इतने सवाल कर लेती हूँ कि जो उसका खुद का कॉन्फिडेंस होता है वही चला जाता है। मीन्स उसने जो नहीं किया होता है उसे लगता है कि अरे मैंने तो ये भी नहीं किया, क्या क्या पूछे उससे, कभी कभी वो भी नहीं आता है, तो मीन्स ऐसा होता है बहुत बार। और मैंने उसे 10-20 बार कॉल किया था, अभी लास्ट वहाँ जो हाफ ईयरली हुआ था उसमें पता नहीं मैंने कितनी बार कॉल किया था, अभी वो हो गया चढ़ गई, ये आता तेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, सुन ओके बाय, फिर से फिर ओ यार इसमें यह करना है, तो फिर ऐसे पूरा गया था हमारा फ्रेंच। और भी हमारा फ्रेंच का लास्ट पेपर है, उसके बाद क्योंकि 9th क्लास में फ्रेंच होता नहीं है इसलिए सिर्फ हिंदी, और संस्कृत भी है पर मैं संस्कृत तो ले नहीं सकती बिकॉज मैंने फ्रेंच लिया था। और गेम्स पीरियड ज़्यादा होंगे क्योंकि 8th क्लास में सिर्फ एक गेम्स पीरियड होता है, और वीक में एक बार होता है, और 9th में आई गेस 3 बार 3 होते हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये था मेरा व्लॉग, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसे एक थम्स अप दे देना एंड कमेंट करना क्या आपको ये कैसा लगा, एंड बाय नेक्स्ट वीडियो।